मैं दिनेश सिंह JJBNews.com में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज चर्चा करते हैं मराठी अग्रणी भाषा की फिल्म फुगट राजा के बारे में और जानेंगे हम उसके निर्माता सुशील सोनी और उसके निर्देशक समीर सलीम खान से। सुशील सोनी जी, मराठी भाषा की अग्रणी भाषा में फुकट राजा बनाने का आइडिया आपको कहां से मिला? मराठी अग्रणी बोली भाषा में ये जो फिल्म है फुकट राजा, ये हमने सोचा है कि एक नई इंडस्ट्री हमें बनानी है, जो कि आज जिस तरह से देखा जाए भोजपुरी इंडस्ट्री है, मराठी इंडस्ट्री है, कन्नड़ इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, इंग्लिश इंडस्ट्री, मगर आगरी इंडस्ट्री अभी तक नहीं है। तो एक छोटी सी एक इंडस्ट्री बनाने के प्रयास में हमने एक फिल्म बनाई जिसका नाम है फुकट राजा, जो कि यूट्यूब के लिए है। ये हमारा एक पहला प्रयास है जो कि छोटा सा एक 28 मिनट्स यानी 30 मिनट की एक हमारी फिल्म है, जिसमें चार कैरेक्टर है। हमारे चारों कैरेक्टर की शुरुआत एक ऐसे कहानी से होती है कि ये लोग अपने लाइफ में, अपने दिनचर्या में कुछ ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जिससे ये घटनाक्रम चालू रहता है, और एक कॉमेडी है, पारिवारिक कॉमेडी है, साफ कॉमेडी है, स्वच्छ कॉमेडी, जो आप हर तबके का इंसान इसको देख सकता है। समीर जी जो है, आप जो है इस फिल्म के निर्देशक हैं, आपको इन नए कलाकारों को लेके जो है जो आपने काम किया, नए लोकेशन पे आपने काम किया, तो आपका क्या अनुभव है? वो ठीक ही था, नए लोग थे, ये सुशील जी हमारे मित्र हैं, इन्होंने बोला कि हम लोग एक ऐसी फिल्म बनाते हैं फुकट राजा आगरी भाषा की, क्योंकि आगरी भाषा की इंडस्ट्री अभी तक है नहीं, तो हम लोग, मुझे भी आइडिया अच्छा लगा और हम लोगों ने मेहनत किया। नए लोग थे, मेहनत बहुत करना पड़ा, लेकिन उन्होंने भी बहुत दिल लगा के काम किया, हमने कई वर्कशॉप किया 10-15 दिन, और सबको कुछ करना था, और मैंने ये सोचा नहीं था कि इतना अच्छा वो कर लेंगे। जब फाइनली जब फिल्म शूट हो गई और हमने एडिट वगैरह किया, तो हमें लगा कि कमाल हमने कर दिया है, लोग यूट्यूब पे इसे पसंद कर रहे हैं। अभी 18,000 के ऊपर लोगों ने अभी तक देख लिया, और बेसिकली 18,000 प्लस में हम जा रहे हैं, और हमारा टारगेट है 1,00,000 के ऊपर। और आप ऑडियंस की अगर साथ मिला, उनका उनको पसंद आया, तो हम लोग 1,00,000 भी क्रॉस कर लेंगे बहुत जल्द। बेसिकली ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सभी को देखना चाहिए और पूरे परिवार के साथ देखना चाहिए। और खास बात ये है कि इस फिल्म में एक जैसे YouTube वगैरह पे नेट पे जो गंदी चीजें चल रही है, सेक्स, हमने इस चीज का कोई जरा इस्तेमाल नहीं किया। हमारी फिल्म में एकदम साफ सुथरी फिल्म है, पूरे परिवार के साथ दुख देख सकते, कोई छल कपट नहीं किया, हमने पूरी ईमानदारी से फिल्म बनाई और लोग पसंद कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, इसलिए कि इसमें सेक्स वगैरह कुछ है नहीं, कोई क्राइम नहीं, कुछ नहीं है, कॉमेडी है और लोग पसंद कर रहे हैं, और इस बात की हमें खुशी है कि हमें वो रास्ते पे नहीं चलना पड़ा जिसपे सब लोग चल रहे हैं, बेसिकली फुकट राजा बनने के लिए। बहुत अच्छी, मतलब अगर देखा जाए तो वही हिसाब से देखा जाए तो दिनेश जी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी तो वहाँ थे, आप भी लोकेशन पे थे, आपने भी काफी एंजॉय किया। जो आप नॉर्मली क्या होता है, लोग जब नेट के लिए सोचते हैं ना, तो उनके दिमाग में आता है सेक्स, क्राइम, कम से वल्गर, गाली गलौज, लेकिन हम तो इस चीज पे एकदम पक्का थे कि हमें ये सब चीज नहीं करना, साफ सुथरी फिल्म बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे, लोग पसंद करेंगे, और वही हो रहा है कि लोग पसंद करेंगे हमारे लिए। बेसिकली हम लोग जो अपनी लाइफ में जो जॉब वगैरह करते हैं, मतलब ये हम लोग अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर के थोड़ी से हमने अपनी स्टोरीज वगैरह की है, जॉब करते हैं। और आपको सर एकदम ये कंप्लीट फिल्म लगेगी, ऑडियंस को भी मैं बोल रहा हूँ कि एकदम कंप्लीट फिल्म ही है, आपको शुरू से लेके लास्ट तक कहीं पे भी नहीं लगेगा कि कुछ जर्क है, एक लगेगा कि आपको 30 मिनट की फिल्म है लेकिन कंप्लीट फिल्म है, आपको मजा आएगा, और 30 मिनट आपका कैसे पार होगा पता ही नहीं चलेगा। बेसिकली अभी आप तो देखा जाए तो ये तो क्राइम जोन से है, पूरा क्राइम पेट्रोल सावधानी जो करते हैं, तो इनके लिए भी काफी टफ था, ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, डेली शो वगैरह किया है लेकिन कॉमेडी आज तक नहीं किया, मैं भी सोच रहा हूं नए कलाकार के साथ करना, और वो लोगों ने कर लिया उतना ही। और हम लोग तो मतलब बेसिकली हम लोग तो इंडस्ट्री से ही है, हिंदी इंडस्ट्री से हम लोग थे, और हमारे लिए भी काफी टफ था, इवन हम दोनों के लिए काफी ज्यादा टफ था कि हमने जिस भाषा का हमें ज्ञान नहीं है उस भाषा को हम पकड़ रहे हैं और उस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हम सोच रहे हैं। अब सोचना यह था कि अब इसको हम नरेट तो कर चुके हैं, हम लोग बना तो चुके हैं, इसमें कहीं भाषा का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए भी हमने रिसर्च की काफी, बहुत रिसर्च करने के बाद तब हमने इस फिल्म की नींव रखी, नींव रखने के बाद तब हमने इस फिल्म की शुरुआत की,
जो कि रिजल्ट अभी ऑडियंस के सामने है। नए कलाकार होने के बावजूद हमने जो प्लान किया था 3 दिन का, ताकि बजट भी हमारे पास उतना नहीं था कि हम बड़े लेविस तरीके से करें, और नए कलाकारों ने अच्छा साथ दिया, और हमने जो हमारा टारगेट था, जो शेड्यूल था हमारा, वो बराबर कम्प्लीट हुआ। इसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं लगा कि मतलब नए लोग हैं तो ज्यादा दिन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। हमने जितने दिन में बनाने के लिए सोचा था उतने दिन में ही ये फिल्म कम्प्लीट हुई। इसके लिए मैं अपने जो कलाकार है उनको भी थैंक्स बोलूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बहुत मेहनत किया सर। फिल्म भी हमारी मतलब आपको देख के सर ये लगेगा नहीं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम लाइफ में कैमरा फेस किया है। अब जो रिजल्ट आ रहा है और जो लोग, वो आर्टिस्ट भी हमारे बहुत खुश है कि लोग उनको उनके काम को पसंद करें। और इसके आगे जो है इसका जो है सेकंड पार्ट भी आप बनाने की जी जी सर, सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, और इसको बनाएंगे हम लोग पूरा 2 घंटे की फिल्म बनाएंगे। ये भी फुल कॉमेडी होगी, सेम कलाकार होंगे। इसका हमने अपनी फिल्म में एक प्रोमो भी दिया हुआ है ताकि ऑडियंस को एक हिंट मिले कि हम हमारी नेक्स्ट स्टोरी किस बेस पे होगी, ताकि लोग अभी से उसका इंतजार करें और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2016 में एक क्वेश्चन था लोगों का कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, और हमारी फुकट राजा में एक क्वेश्चन हमने फेंक दे दिया है कि मटकी में क्या है, मटकी में क्या है, हमने एक क्वेश्चन दिया। उसके अंदर चारों फुकट लोग जो है उनको एक मटकी मिली जंगल में, और वो मटकी हमने खोला दी, उनको मटकी मिली, मटकी में क्या है, ये नेक्स्ट फिल्म में आपको देखेंगे। और रियली मतलब आप भी जिस तरह से है, रियली आप लोग एंजॉय करेंगे इसे। दिनेश जी मतलब बेसिकली मतलब आपका बहुत आभार मानूंगा कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया, इस मंच पर आपके जेजेबी न्यूज पर हमें बुलाया, और हमें एक मौका दिया कि अपने जो भी बातें हैं वो ऑडियंस के साथ में साक्षात्कार करने का। बहुत अच्छा लगा लेकिन आपके साथ में आकर, और हम लोगों को तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि पब्लिक ऑडियंस ही राजा होती है, माई बाप वही होती है। मैं तो सबसे बड़ा आभार मानूंगा ऑडियंस का कि जिन्होंने हमें सफलता दी और इस लेवल पर हमें ले आया। अभी भी फिलहाल हम लोग इस समय हम करंट जब ये एंकर शूट कर रही है, शो शूट कर रहे हैं अभी, तो इस समय हमारा स्कोर है 18,000 प्लस में हम जा रहे हैं। और मैं आभारी मानूंगा दिनेश जी का और पूरे JJB.com टीम का कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और हमारा इंटरव्यू लिया, हमें यहाँ पे बुलाया, हमें जिस लायक समझा, बड़ा सौभाग्य देने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत थैंक्स। और ऑडियंस को भी बोलूंगा कि आप JJBnews.com देखिए, आपको ऐसे ही दिनेश जी नए न्यूज आपको यहाँ ऐसी न्यूज आपको दिखाएंगे जो आपको दूसरे चैनल पर नहीं देखने मिलेगी। हर पल पल की खबर के लिए JJB News।